बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली कुर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप स्नैपचैट का पासवर्ड भूल चुके हैं, इसको आप रीसेट फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। स्नैपचैट के पासवर्ड को रीसेट फॉरवर्ड करने के लिए सबसे पहले आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने वेरीफाई यानी अकाउंट आपने ईमेल पर बनाया हुआ है या आपने फ़ोन नंबर पर बनाया हुआ है। कुछ दोस्तों ने इंस्टाग्राम से के साथ बनाया होता है, वो सारे बाद में कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर भी आपने बनाया तो आपने ईमेल को ही क्लिक करना है। जैसे आप मैं फ़ोन नंबर से बनाया तो तरीकाकार दोनों का सेम है, अगर आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक से बनाया हो तो आपने ईमेल पर क्लिक करना है। तरीकाकार आपको दोनों का सेम है आपके साथ, सिर्फ वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें। जैसे आप मैं फ़ोन नंबर पर क्लिक करूंगा, जैसे आप ईमेल पर क्लिक करें तो आपने ईमेल पर यहां पर इंटर करनी है। यहां पर आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है जिस पर आपने स्नैपचैट का अकाउंट क्रिएट किया है। जैसे मैं वो यहां पर नंबर लिख लेता हूं, नंबर लिखने के बाद यहाँ पर मैं नंबर लिखा है, यहाँ पर मैं कंटिन्यूज़ पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यूज़ पर क्लिक, जैसे आप कंटिन्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यूज़ पर क्लिक करने के बाद जिन्होंने मोबाइल नंबर से यहाँ पर कह रहे हैं कि अनवैलिड मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है इस पर अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं दोबारा से नंबर को चेंज कर। जैसे मैंने नंबर चेंज किया, कंटिन्यूज़ पर क्लिक किया, कंटिन्यूज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी हमें एक SMS वसूल हो जाएगा, जो यहाँ पर हमें SMS वसूल हो चुका है 45650। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पर हमारा वेरीफाई कोड भी हो गया। यहाँ पर आपने न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड लगा देना है। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड को इंटर कर लेता हूँ, आपने भी अपने पासवर्ड को इंटर करना है। यहाँ पर भी वही पासवर्ड लिखना है। यहाँ पर आपने कुछ वर्ड्स लगा देने, जैसे स्लैश वगैरह लगा दें या आपने नीचे भी वही पासवर्ड लिख देना है। यहाँ पर भी आपने पासवर्ड 8 हिस्सों का होना चाहिए, नीचे भी 8 हिस्सों का वही पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका यूज़र नेम यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद आपका पासवर्ड वही जो आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर आ जाएगा। पासवर्ड आप पासवर्ड को लिख कर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।